हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो ब्लॉग स्टार्ट किया है लेकिन बहुत लेट किया है, हमेशा लेट ही हो जाती हूँ। तो गाइस, काम से तो पूरा कंप्लीट हो चुकी हूँ, शाम पड़ चुकी है, अभी तो 5 बज चुके हैं। तो अभी पानी का मौसम हो रहा है रोज़ रोज़, तो मैंने सोचा कि दाल रखी हुई, उड़द कब के धोए मैंने, आप लोगों ने पहले की वीडियो में देखा होगा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं दाल डाल ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा टीम काम लेके देखो मैं बैठ चुकी हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए मैं दाल बनाने लग गई हूँ, और माशाल्लाह मैंने ना उड़द की दाल बनाई ना, तो इसका छिलका भी निकल गया। जब पूरी झटकारूँगी और साफ होगी ना, जब दिखाऊँगी आपको, तो इसमें मैंने हल्का सा तेल लगा के इसको धूप में दो दिन तक रख दी थी, नमक और तेल, तो पूरी छिलका बाहर आ जाएगा। तो घर की दाल की तो बात ही अलग होती है। मतलब कूलर गाइस, एक ने मोटर चालू करी, फुल भरा गया, वो बाथरूम में नहाने चला गया, दूसरा आया, उसको मैंने बोला कूलर चालू कर दें, तो वो भी मोटर चालू करके छोड़ दी और पानी पानी हो गया। देखिए आप, पूरा भर दिया है यहाँ पे और बाहर, ये देखो। और अभी 5 बज चुका है, 5:10 हो गए हैं। तो चलो तोशिप को खाना भी दे देती हूँ। रात को मैंने बनाए थे बेसन गट्टे। क्या जल्दी को खाने के लिए तू कहाँ जाएगा? मैं इसके साथ जिम निकल जाऊंगा, कोचिंग तो कंप्यूटर क्लास नहीं जाना। तो इसकी कोचिंग की अभी छुट्टी है और ये जिम जाएगा, और मैं तो मना करती हूँ गाइस इसको मत जाया कर। और अभी बिट्टू आया नहीं, गाइस बाइसेप कैसे बढ़ेगा देखिए। मैंने बेसन गट्टे की सब्जी बनाई थी, एक नंबर मस्त, और यहाँ आम रस है, ले रहे भूख लगी है अब इसको, थोड़ा सा नाश्ता करके गया था सुबह में बस। तो गाइस दाल बन चुकी है पूरी, और मैं उधर चाय बनाने लग गई हूँ। और दाल देखिए माशाल्लाह। तो मैं ये ना, मैंने गाइस पूरी मोगर दाल बना दी, मुझे याद ही नहीं रहा, सारे उड़द में मैंने तेल लगा दिया और नमक मिला के रख दिया था। मुझे आधी दाल है ना बिना छिलके वाली रखना थी और आधी मोगर, और इधर मेरी चाय बन रही है, ये यहाँ पे चाय बन रही है, और कचरे की गाड़ी आ गई है, तो मैं जल्दी से कचरा फेंक के आती हूँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि मुझे टप लेने आई हूँ मैं, और ऊपर ही लाऊंगी दाल को, ऊपर ही यहीं पे झटकारूंगी, यहीं पे साफ करूंगी दाल, तो टप लेने आई हूँ। देखो मैं लाई थी ना, धो के रख दिए मैंने, अभी गेहूं नहीं भरे इनमें। ऊपर आ चुकी हूँ मैं चाय वाय पीकर, और अभी दाल साफ कर लेती हूँ, और कल इंशाल्लाह धूप अच्छी रही तो दूसरी चने की जो दाल है ना वो बनाऊंगी। गाइस देखिए यहाँ पर मैंने ये झटकारी है, लेकिन थोड़ा सा है ना इसको चलने में छानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ है ना उड़द रहेगा इसमें। देखिए जब हम लोग ज़्यादा डाल देते हैं ना उड़द, तो ऐसा हो जाता है। तो कोई बात नहीं माशाल्लाह, लेकिन दाल बहुत ही अच्छी बनी है। तो गाइस थोड़ी सी और बची है, और देखिए माशाल्लाह सामने सूरज बहुत अच्छा लग रहा है, बादल भी बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, यहाँ का भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। शाम पड़े तो अच्छा ही लगता है वैसे छत पे।
ये देखिए मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, सच्ची बता रही हूँ। तो गाइस 7 बज चुका है, लेकिन अभी ये दाल का सिस्टम मुझे यहीं रखना पड़ेगा अभी। ये देखिए, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसी बनाई है मैंने दाल। तो यहाँ मैं हाँ वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ मैं मसाला बना रही हूँ लोंजी का, और कैरी माशाल्लाह अच्छी लाया है, बड़ी बड़ी देखा। तो गाइस मैं थोड़ा सा मीठा नीम तोड़ के लाऊंगी बाहर से। देखिए थोड़ा सा धो लेते हैं इसको। तो मैं लूंजी बघार देती हूँ, और यहाँ मैंने रई, सौंफ और खड़ा धनिया और प्याज और मीठा नीम भी डाल दिया है। तो गाइस यहाँ दाल भी मैंने चढ़ा दी है, और यहाँ लूंजी का मसाला भून रहा है, यहाँ बन रही है। और जब तक मैं थोड़ा सा किचन साफ़ कर लेती हूँ, देखिए फैलावा हो रहा है अभी। तो गाइस दाल यहाँ बन रही है, बन चुकी है, हाथ जल गया मेरा। और यहाँ मैंने चावल बघाड़ दिए हैं। तो गाइस खाना रेडी हो चुका है, और अब हम लोग खाएंगे खाना। खाना तो पहले से रेडी है। तो गाइस खाना रेडी हो गया है, ये देखिए दाल, लोंजी और चावल, और यहाँ आमरस भी आ गया है, पराठे, बेसन गट्टे। तो गाइस तोशिप भी आ चुका है, और हम लोगों ने खाना खा लिया है। तो तोशिप तो अभी खाना नहीं खा रहा है। ये क्या बनाया तूने? बनाना शेक, पता नहीं क्या क्या डाल लेता है गाइस, अच्छा भी लगता है। हाँ, और ये खाना नहीं खा रहा। हम लोगों ने तो खाना खा के मैं बर्तन धोने लग गई हूँ यहाँ पर। तो गाइस 9:30 बज चुका है, और खाना खाने के बाद, बर्तन धोने के बाद मैंने दाल साफ करी अभी, ये देखिए। तो अभी अंधेरे में अच्छे से नहीं हुई, अभी क्या है इसको थोड़ा सा छानना भी पड़ेगा, बताती हूँ आपको। देखिए इसको है ना, छानूंगी ना तो ये जो उड़द रहेगा ना ये निकल जाएंगे। और दाल माशाल्लाह अच्छी बन गई, 5 किलो की दाल बनाई है मैंने ये। और हाथ की दाल है ना गाइस, मशीन की नहीं है, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन बनाता है घर की दाल। बाकी मार्केट से तो सभी ला के खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, कभी ख़त्म हो जाती है तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस दाल में जो स्वाद होता है ना उसकी बात अलग होती है। तो गाइस चलो ब्लॉग का भी मैं एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है ना, तो मैं सोचती हूँ आप लोग देखते भी नहीं हो, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना और फुल वॉच करना, और कमेंट सभी लोग करना जो जो भी देखें। तो गाइस वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और शेयर करना ना भूलें, और दुआओं में भी याद रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मेरे चैनल पे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।